हाँ माँ। बेटा 3 दिन से घर नहीं आए, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वो थोड़ा काम ज्यादा था ना इसलिए। हाँ घर आ जाऊंगा जल्दी माँ। ठीक है। अपने पेशेंट्स का जैसे ख्याल रखते हो वैसे अपने आप का भी रख लिया करो बेटा। हाँ माँ। खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। अच्छा माँ सुनो ना, मेरे को थोड़ा काम है, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? ठीक है माँ। बेटा सुनो बेटा। डॉक्टर तो मैं बचपन से बनना चाहता था, यहां जो दर्द कम करने का सुकून है वो और कहां। कई लोगों ने तो हमें अपना भगवान माना था और हम तो बस कहते रहे। हम सब तो सपोर्टिंग स्टार है माँ जी, लीड में तो वो है। और इन्होंने तो हमें अपना सुपर हीरो समझा। और कुछ लोगों ने ये क्या कर रहे हैं आप? सही वक्त पे तो मैं इसका इलाज करा नहीं पाया, मगर ये जानते हुए भी कि मैं इसे लास्ट मोमेंट पे लेके आया हूँ, तू अगर इसे बचा नहीं पाया तो तेरे को तोड़ के हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। समझा डॉक्टर? और कुछ लोगों ने हमें जिम्मेदार माना। वैसे तो ओवर स्पीड में उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर तू उसे बचा नहीं पाया। मेडिकल नॉलेज तो मेरे को घंटा है नहीं, पर हाथ तो मेरे 2.5 किलो के हैं। पहले मैं तेरे को धोऊंगा, फिर तेरे पे लापरवाही का केस डाल के अपना ऊपर का गुस्सा तुझ पे उतारूंगा। अबे हथियार दे, अबे लकड़ियां क्या दे रहा है, सरिया दे। दस साल की पढ़ाई और दिन रात मेहनत करके ना जाने कितने एग्जाम्स क्लियर करते हुए पर्सनल लाइफ की तो धज्जियां उड़ गई, पर पेशेंट का वो रात का 3 बजे का कॉल हमारी प्रायोरिटी बन गया। और आज अफसोस इसी बात का कि रॉड स्टिक्स और ना जाने क्या क्या लेकर हमारे काम की खातिरदारी की गई। आई क्विट। बस आज और जब कभी क्विट करने का ख्याल आया, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान लिए, हाफिसा कोई एक सामने आया। और फिर क्या, स्टेटिस्कोप उठाए, बस हमने यही कहा नेक्स्ट पेशेंट प्लीज।